से, मेंटीमीटर वगैरह से हम क्विज कराते हैं, या कुछ ऐसे हम कौन सी आईसीटी टूल यूज कर रहे हैं उस दिन, उस बारे में थोड़ा सा मेंशन करिए। दूसरा एक और कॉलम बनाना है जिसमें आप बीटी लिखा है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 लेवल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, क्रिएटिंग, नहीं इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, 6 ऐसे स्टेप्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। तो उसको नॉलेज लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहते हैं, KL1, KL2, KL3, KL4, KL5, KL6। अब हमको ये देखना है कि ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, जैसे मैं क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का मैंने उस दिन सोचा है, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाने पर मैं बच्चों के कौन कौन से लेवल को टच करने वाली हूँ। KL1 मतलब हम बच्चों को रिमेम्बरिंग कुछ याद कराने वाले हैं, कुछ समझाने वाले हैं, कुछ एनालाइज करवाने वाले हैं, कुछ अप्लाई कराने वाले, कुछ इवैल्यूएट कराने वाले, या कुछ नई चीज उसमें से क्रिएट करने वाले। तो ऐसा हम कौन सी चीज उस दिन क्लास में पढ़ाते में पढ़ाने हमारे उस दिन के कक्षा में हम कौन से लेवल को टच करने वाले हैं, वो हम पहले से तय करके जाएंगे तो हम क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाएंगे और क्रिएटिव तरीके से पढ़ा पाएंगे। तो हमारा जो टीचर डायरी है उसमें 2 कॉलम्स और बढ़ाना है कि हमने क्या सोचा पढ़ाने का, उसके साथ हम एक कॉलम बनाएंगे उस दिन वो टॉपिक पढ़ाने के लिए मैं कौन सा आईसीटी टूल यूज करने वाले हूँ, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कौन कौन से लेवल्स, KL1, KL3, KL6, KL, कौन से मैं टच करने वाली हूँ उस दिन, उसका आपको वहां पर जिक्र करना है। जैसे हम कोई न्यूमेरिकल दे रहे हैं तो हम उस दिन बच्चे को KL5 तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को जब तक कोई चीज याद नहीं होगा, जब तक वो समझेगा नहीं, जब तक वो एनालाइज नहीं करेगा, जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा, वो इवेल्युएट कैसे करेगा। तो इवेल्युएशन प्रोसेस तक ले जाने के लिए मुझे KL1 से KL5 तक पहुंचाना पड़ेगा। या हमने कहा कि हम इसमें नया कुछ आप कुछ कराने वाले, क्रिएट कुछ नई चीज बच्चों से बोल करके बनवाने वाले हैं, तो वो हम KL6 तक पहुंच गए। तो ये सबको करना है। अगला पॉइंट है कि प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, कोर्स आउटकम और आउटकम बेस्ड जो एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन सब का हमारे पास हर सब्जेक्ट में प्रोग्राम आउटकम, कोर्स आउटकम बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो जल्दी बनाइए, बना हुआ कई जगह है, वहां से ले भी सकते हैं हम। तो हमको इसकी तैयारी कर लेना चाहिए, और जितने पीजी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके सामने ये हम फ्रेम करके लगा दें, ताकि बच्चे उससे अवगत होते रहे कि प्रोग्राम आउटकम क्या है। मैं बीए पढ़ रहा हूँ या बीएससी पढ़ रही हूँ या एमए इकोनॉमिक्स कर रही हूँ, एमएससी केमिस्ट्री कर रही हूँ, तो मेरा प्रोग्राम आउटकम क्या है, इसका नतीजा क्या, मैं किस लायक बनने वाली हूँ इसको पढ़ के, आउटकम क्या होने वाला है, और कोर्स आउटकम उस सब्जेक्ट का आउटकम क्या है। तो वो आपको बना करके अपने विभागों के बाहर डिस्प्ले करना है, वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है, बच्चों को उससे अवगत कराना है। ये सब चीजें आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, जो जो आईसीटी बात नहीं करिए बीच में, अपना म्यूट कर लीजिए। जो लोग माइक ऑन करके बैठे हैं प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। जो आईसीटी हम यूज कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपसे इससे पहले बोल चुकी हूँ, जो डिपार्टमेंटल क्लब्स हैं उसकी क्या क्या गतिविधियां हैं, कुछ अनोखे नाम दीजिए उनको, कुछ अलग अलग नाम दीजिए। फिजिक्स का है तो फिजिक्स के साइन,
आवाज नहीं आ रही। मैं कंप्यूटर से बोल रही थी, यूज कर रही थी, उसका कनेक्टिविटी चला गया है। चलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। डिपार्टमेंट में क्लब्स हैं, एसोसिएशंस बने हुए हैं, जैसे फिजिक्स का एसोसिएशन है या केमिकल एसोसिएशन है, बोटैनिकल है। इन सब में हम कुछ अच्छे नाम दे सकते हैं उस क्लब को, उस एसोसिएशन को, तो उससे हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम भी हम उस तरह से वहां पर समावेश उसका कर रहे हैं। तो इससे वो भी एक हमारे लिए फायदा होगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है या इंडियन जो बड़े लोग हैं नॉलेज सिस्टम में, हमारे जो बड़े, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो सोशियोलॉजी वाले हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, या हिंदी के हों, केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों, उनके नाम से हम अगर एसोसिएशंस बनाएंगे तो वो बहुत हमारे लिए एक अच्छा कार्य हो सकता है। एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब सबको बनाना है और उसकी कुछ गतिविधियां, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। हम लोग सब स्वीप एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, है ना। इलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम हमारे साथी कई लोग मास्टर ट्रेनर्स हैं, कई लोग उसके बाद भी वोटर जो अवेयरनेस कैंप्स करते हैं और वोटर आई कार्ड्स बनाने में मदद करवाते हैं, या हम लोग स्वीप एक्टिविटीज में हैं, तो वो सब हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में। और हम अपना एक वो दिखा सकते हैं कि हम इसमें भी पूरा कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं आ रही है आवाज, आ रही है सबको? यस मैम, आ रही मैडम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनईपी प्रिपेयर्डनेस पर हमने आपको बहुत सारा मैटर दिया है एनरिचिंग थर्सडेज में, और आप लोग कहेंगे तो एक बार फिर एनरिचिंग थर्सडे में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको उस एनईपी प्रिपेयर्डनेस का भी ध्यान रखना है और जो जो चीजें हमने आपको उसमें बताई है उसका समावेश हमारे रिपोर्ट में हमें करना होगा। 31 पॉइंट्स का कंप्लायंस वो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। सुनिए नेक्स्ट, जो हमने इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू किया है, एमओयू जो किया है वो भी आपको जो एमओयू आप लोगों ने करे हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ अलग अलग जगह, तो उसमें आपको मैं याद कराना चाह रही हूँ कि एक एमओयू आपने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ भी किया है, जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में जिन लोगों को पैसा मिला है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में, उन सब का, उन 200 महाविद्यालयों में से कई महाविद्यालय इस ग्रुप में से शामिल है, उन सभी महाविद्यालयों को का एक हमने आईडीपी बनवाया था, उस बारे में भी आपको एसएसआर में लिखना है और आपको ये भी एमओयू के बारे में भी लिखना है। बाकी सबसे मैं निवेदन करूंगी कि अपना म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो आपको वर्ल्ड बैंक से इसी के साथ बताना चाहूंगी कि एमओयू जो है वो जहां आपके बच्चे इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं जिस इंस्टीट्यूशन में, उनके साथ कर लीजिए। जो और दूसरे अच्छे कॉलेजेस हैं अपने स्टेट के जो अच्छे ग्रेड ला रहे हैं, उनके साथ आप एमओयू कर सकते हैं। और आप लोग इस जो आप इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट की बात करी, तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फीडबैक लेते हैं बच्चे, जो आप जहां प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के लिए जाते हैं उनसे भी फीडबैक ले लीजिए, क्योंकि हमको इन सब से फीडबैक भी तैयार करवाना है, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो आपको पैसे वर्ल्ड बैंक और रूट से मिलता है उसका हमको पूरा लेखा जोखा तैयार रखना है। कहीं नए बिल्डिंग्स बने हैं, कहीं रेनोवेशन हुआ है,
वो सब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाना है। तो अगर आपको डायरेक्ट आपके हाथ में पैसा नहीं आया है, वो मुझे मालूम है नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो प्रशासन की स्वीकृति हमको मिला है उसकी कॉपी आप लगाएंगे उसमें, और आप उस जो आपको 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ जितना भी मिला होगा वर्ल्ड बैंक से, उसका जरूर जिक्र करना है। और आपके जो सीए रिपोर्ट बनाएंगे, सीए ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, तो उस रिपोर्ट में भी डलवाइए अलग से कि यहाँ से वर्ल्ड बैंक से या रूसा से आपको इतना इतने करोड़ का पैसा अधोसंरचना के इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए दिया है, वो आप लिखिए। जो आपके यहाँ रिसर्च का कार्य चल रहा है वो हमारा बहुत वीक पॉइंट है, सभी कॉलेजेस को कम नंबर उसी में मिल रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि रिसर्च एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए तरीके ढूंढिए। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एमएससी के बच्चों का, एमए के बच्चों का क्लब बनाने बोला, एसोसिएशन बनाने बोला, उन बच्चों के लिए हर हफ्ते सेमिनार्स करवाइए, सैटरडे को सेमिनार दिखाइए और उसको रिसर्च डेवलपमेंट के लिए दिखाइए। रिसर्च कल्चर बढ़ाने के कार्य के लिए हमने यूज किया है, तो छोटे छोटे सेमिनार्स हैं या जो वर्कशॉप्स हैं उन सबको हम दिखा करके रिसर्च कल्चर डेवलपमेंट के लिए दिखा सकते हैं। या सीसीई में हमने लिटरेचर सर्वे या छोटा सा पेपर लिखने को, बिब्लियोग्राफी के बारे में, रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में ऐसा कुछ बताया हो, तो वो भी सब हमको, उसका भी सबका समावेश हमारे रिपोर्ट में क्राइटेरिया 3 में करना है। इसके अलावा इनोवेटिव एक्टिविटीज आपको इनिशिएटिव लाना है, कुछ आइडिया हाउस इंक्यूबेशन सेंटर नहीं कहेंगे उसको। कुछ लोगों का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो आइडिया हाउस के नाम से हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर नहीं कहलाएगा वो, आइडिया हाउस, जहाँ बच्चे अपने आइडिया ला करके कुछ हम नया करने के लिए स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ ले जाने के लिए, जहाँ जो चीज हम तैयारी करवा सकते हैं वो हमारे लिए इनोवेटिव होगा, हैकाथॉन करा सकते हैं हम, ऐसे कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करके इनोवेटिव इनिशिएटिव्स जो है वो हम दिखा बच्चों को और बता सकते हैं। सभी जो भी आप रिपोर्ट लिखेंगे SSR में, सबके लिए इंडेक्स बनाना जरूरी है। ये इतनी बार बताने के बाद भी जब SSR सामने आता है तो फिर हम लोगों को बोल करके बनवाना पड़ा, तो आप प्लीज ध्यान रखिए। क्राइटेरिया 2 का जो हम लिखना शुरू करेंगे, कोई भी एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे तो उसका इंडेक्स बनाना जरूरी है। इंडेक्स, हर फोटो का कैप्शन लगाना जरूरी है, ईयर कौन से साल का है, कौन से का क्या एक्टिविटी है, कौन से साल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब हमको उसमें कैप्शन लगाना है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के फोटोज लगा रहे हैं वहां पर क्लासरूम का फोटो नंबर, क्लासरूम नंबर लगा हुआ फोटो होना चाहिए, अंदर बच्चे बैठे हुए फोटोज, या लैब में काम करते हुए, लैब को बच्चे जब लैब में काम कर रहे हैं तब आप फोटो खींच लीजिए, और लैब का नाम बाहर बोर्ड लगा हुआ पूरा, हमको उस तरह से फोटो चाहिए। तो जियो टैग फोटो नहीं है किसी समय का, तो हम उसके नीचे कैप्शन लगा करके उस जगह के बारे में वहां पर बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है कि महाविद्यालय को बेस्ट प्रैक्टिस, 2 बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में लिखना है। इतने हमने भी SSR देखे हैं जिसमें लोग यही नहीं समझ पा रहे कि बेस्ट प्रैक्टिस किसको कहते हैं, प्रैक्टिस क्या होता है जो हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिस उसमें से जो सबसे अच्छी चीज हम जो लगातार अपने महाविद्यालय में करते हुए हमने उसको संस्थागत बना लिया है, ऐसे कोई जो हमारी जो जो एक एक्शन एक प्रैक्टिस है उसको बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं, जो हम सालों से कर रहे हैं, 3-4 साल से हम कर रहे हैं, जो हमारे महाविद्यालय का अभिन्न हिस्सा बन गया है, जो एक संस्थागत रूप से हमारे शैली में ही काम करने लग गया है, ऐसी चीज को बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं।
तो आप लोग एनएसएस एनसीसी वगैरह कृपया न लें। आपको अपने महाविद्यालय के कोई एक ऐसा नवाचार जो हम कुछ एक दो साल से हम जिसका प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसको बेस्ट प्रैक्टिस बनाना है। अगर एनएसएस एनसीसी के कार्य को लिखना है तो उसको दूसरे तरीके से कुछ और नाम देते हुए उन कार्यों का समावेश उसमें किया जा सकता है। अब अगर आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस हम कौन सा लें, तो मैं सभी महाविद्यालय से निवेदन करूंगी कि आप लोग आपके TAQA से बात कीजिए, वो लोग मुझे बताएंगे, हम लोग डिस्कस करके आपके लिए दो बेस्ट प्रैक्टिस बहुत अच्छा वाला निकाल के देंगे। अगर आप खुद तय नहीं कर पा रहे हैं तो, और नहीं तो खुद ही तय करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहां नहीं रह रहे हैं, हमें नहीं पता आपके महाविद्यालय में क्या हो रहा है, तो इसलिए ये आप ही लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए इस चीज को आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए कौन सा बहुत अच्छा नवाचार है। अगला है इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस, हमारा महाविद्यालय दूसरे महाविद्यालयों से किस प्रकार अनोखा है, किस प्रकार यूनिक है, डिस्टिंक्टिव कैसा है, अलग से उठ के कैसे खड़ा है, क्या उसमें खूबी है, ये आपको ढूंढ करके निकालना है। एक नहीं अनेक मिलेंगे आपको, वो सब आप लिख सकते हैं, पर इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस उसको कहते हैं। तो उस तरह से सोचना शुरू कीजिए। डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव्स, इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, ये सब हमको IQAC के पास उपलब्ध कराना है। सभी कॉलेजेस में मैं प्राचार्यों से निवेदन करूंगी कि आपको बहुत इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तभी ये कार्य बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। केवल ही IQAC का या एक दो लोगों का काम नहीं है, पूरे महाविद्यालय को एक साथ जोड़ना है, सबको सोचना है कि ये हमारे महाविद्यालय के लिए काम कर रहे हैं हम। वो एक अपनापन, एक परिवार का जो एक भाव है वो आपको लाना बहुत जरूरी है। तो आपको तभी आप बहुत अच्छे से डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव्स को बता पाएंगे। कई कॉलेजेस में हमने देखा है कि जब हम विभागों में जाते हैं तो उनके पास बहुत सारा कार्य किया हुआ है, लेकिन जब SSR देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ नहीं होता। तो IQAC बोलते हैं इन लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, हमको दिया ही नहीं है। ऐसे ना करें, सभी डिपार्टमेंट से मंगा ले। एक और तरीका हो सकता है कि आप हर डिपार्टमेंट से तो एक प्रेजेंटेशन बनवा लीजिए उनके डिपार्टमेंट का कि क्या क्या खूबियां हैं, और उससे आप अपना रिपोर्ट तैयार कीजिए। जितने एक्सटेंशन एक्टिविटीज हैं वो सभी अपने को दिखाना है, क्योंकि अपने को बहुत नंबर में, कितना है इसका, वो 40 एक्सटेंशन एक्टिविटी होने पर अपने को पूरे नंबर मिलते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लड डोनेशन के 50 एक्टिविटी नहीं, स्वच्छता अभियान का कुछ हम बाहर बच्चों को नुक्कड़ नाटक के लिए ले गए हो, ग्रीन जो बियॉन्ड द कैंपस हमने कोई काम कराया हो, लिटरेसी पर काम किया हो, सब गांव के लोगों के लिए कुछ आहार से संबंधित पौष्टिक आहार के बारे में बताया हो, तो अलग अलग ऐसे कार्यक्रम हमारे एक्सटेंशन एक्टिविटीज जुड़ करके 5 साल में 40 एक्टिविटी हमारे पास होना चाहिए। मतलब 1 साल में कम से कम 8 एक्टिविटी हमने किया हुआ होना चाहिए, तब हमको पूरे नंबर मिलेंगे। SOP पढ़िए और बेंचमार्क्स को जरूर देखिए। NAC के साइट पर अप्लाई ऑनलाइन वाला जो उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको बेंचमार्क्स दिखेगा। बेंचमार्क में देखिए कि क्या हम लिखने से हमको पूरे नंबर मिलेंगे, और सब हमारे पास है। जिस महाविद्यालय ने, अभी एक दो महाविद्यालय जिसका नाम नहीं बताना चाहूंगी, जिन्होंने हमसे कहा था हमारे पास कुछ नहीं है, पर हम लोग उनके साथ बैठ के हम लोगों ने उनको उनके पास से इतने सारी चीजें निकाला कि वो जहां वो सी ग्रेड में आ रहे थे वो अभी B++ में आ गए। मतलब इतना उनके पास मटेरियल था, पर वो लोग मेहनत नहीं कर पा रहे थे। ये आप सबसे निवेदन कर रही हूं कि थोड़ी सी मेहनत करने से ही हमारे कॉलेज को अच्छा ग्रेड मिलेगा। जो आपका जो रहता है और टाइटल रहता है रिपोर्ट का, कोई भी रिपोर्ट हो, इंडेक्स हो, कोई भी, मैंने जो फोटो के कैप्शन वगैरह का बोला, सब इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश जो है उनको एक्टिव होना पड़ेगा,
जिस महाविद्यालय में इंग्लिश वाले नहीं है वो हम लोगों को थोड़ा सा सूचना दे, तो हम कुछ मदद यहाँ हम आपके उधर के ही क्षेत्र के लोगों को आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पर लिखना अपने को अंग्रेजी में ही है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हिंदी, हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश है तो हम हिंदी में, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो आपका प्योर टीम विजिट होगा उस समय प्राचार्य को और आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर को हिंदी में बोलने की व्यवस्था हम लोग जरूर कर रहे हैं, पर आपका प्रेजेंटेशन, आपका लिखना, आपका रिपोर्ट वो सब इंग्लिश में ही चाहिए, वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। तो हमारे इंग्लिश वाले जो साथी हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दें और करें। नेक्स्ट, ये आपका शेड्यूल है और एसएसआर तो आप लोगों का करीब करीब तैयार है सबका। किन कॉलेजेस ने अभी तक ड्राफ्ट एसएसआर तैयार नहीं किया है उन कॉलेज का नाम लेके मैं वो कमिश्नर साहब के पास जा रही हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आप लोग अपने अगर हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं तो फिर मुझे ऊपर तक बातें बतानी ही पड़ेगी। तो आपको ड्राफ्ट एसएसआर आपका तैयार होगा, उसको मास्टर फैसिलिटेटर से आपको चेक कराना होगा और उसके बाद आप हमें भेजेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास भी काम की कमी नहीं है, तो हमको जब तक समय पर आप एसएसआर उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक हम पूरी तरह से आपका एसएसआर नहीं देख पाएंगे। और आप जब हम लोगों से बात करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना समय लग रहा है, इसलिए हमको काफी समय चाहिए। कम से कम 20 दिन पहले, एसएसआर के डेट से 20 दिन पहले हम लोगों से आपको बात करना शुरू करना होगा एसएसआर को लेके। IIQA सबमिशन 15 जुलाई से 22 जुलाई के बीच करना है, तो IIQA के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, फिर से मैं ग्रुप में डालूंगी IIQA सबमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन अगर मैंने नहीं डाला तो आप लोग इसका ये मतलब नहीं है कि IIQA सबमिट नहीं करेंगे, आप सबको मालूम है, केवल सुविधा के लिए मैं उसमें डालने का बोल रही हूँ, नहीं तो आप सबको मालूम है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। SSR सबमिशन का टाइम है 25 अगस्त से 30 अगस्त, जब हम IIQA सबमिशन समय पर करेंगे तभी हम अच्छे से SSR भी समय पर सबमिट कर पाएंगे। जब SSR सबमिट करेंगे तो आपको उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उससे संबंधित है वो आपको TAQA लोग बता रहे हैं, ये जो हमारे बच्चे आपसे जुड़े हैं 7-8 लोग जो हर कॉलेज से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है कि वो लोग आपको लगातार बता रहे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाना है, और भी हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। एनरिचिंग थर्सडेज के माध्यम से भी हम आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं आपको, और अगर आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक जिस पर आपको परेशानी हो रही है और जानना चाहते हैं या कोई उसमें डाउट है आपको, तो आप हमको ग्रुप में डालिए और हम उस पर आधारित एनरिचिंग थर्सडे आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। थर्सडे तक वेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई सेशन ऑर्गेनाइज करके भी आपकी समस्याओं का हल हम कर सकते हैं, पर आपको पहले आपकी समस्याएं ग्रुप में कॉलेज के नाम के साथ डालना होगा। ग्रुप 4 का अलग बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, ग्रुप 5 का अलग बना है, ग्रुप 6 का अलग बना है, आपके पास TAQAs है और मेरी टीम से डॉक्टर सोनल खरे और डॉक्टर मीनाक्षी राठी है, सबसे आपका संपर्क है, तो आप मेरे को मेरे से भी डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप इतनी सुविधाएं आपको हमने दे रखी है, तो आप लोग इनमें से कोई भी सुविधा का लाभ उठाते हुए अपने SSR को जितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं उतना अच्छा लिखिए। देखिए अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि महाविद्यालय जब प्योर टीम विजिट आता है तो जम के तैयारी करते हैं, ताबड़तोड़ तैयारी करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है महाविद्यालय को, इतनी जोश में आ जाते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन वो हम केवल 35% के लिए कर रहे हैं। असली जो अपनी तैयारी और जोरदार, इससे भी जोरदार होना चाहिए, जब SSR जा रहा है वो 65% का है, उसमें अगर हमको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे तो जो हम 35% के लिए
पूरे मार्क्स के लिए पूरी दम लगा देते हैं, उसका वाकई में कुछ अर्थ निकलेगा। और वाकई में कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपने अभी देखा शुजालपुर का बहुत अच्छा ग्रेड आया, नूतन का आया और ग्वालियर का आया, सीहोर कॉलेज का आया है, ऐसे ही पन्ना कॉलेज को भी बिल्कुल 0.06 से उनका ए ग्रेड रह गया, ग्वालियर कॉलेज का आया, बहुत सारे कॉलेजेस को ए ग्रेड मिल रहे हैं, बी डबल प्लस मिल रहे हैं, बी प्लस मिल रहे हैं। आप सब कॉलेजेस भी हम लोगों ने अंदाज लगाया है कि सब बी प्लस और ए के ही ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से, और अगर आप तैयारी करेंगे सब मिल करके, तो निश्चित ही हम लोग ए को पार करके ए प्लस पे भी पहुंच सकते हैं। सब में उसकी काबिलियत है, सब में इतना अच्छा अपने पास मैन पावर है, हम लोग कम होंगे संख्या में, लेकिन एक एक व्यक्ति 10-10 के बराबर है, तो उस आप लोग सोच के काम कीजिए। अभी एडमिशन का भी टाइम है और परीक्षा भी कई कई जगह चल रहा है, लेकिन हमको ये सब काम करते हुए ही इस कार्य को भी करना है, ये कोई अलग सा काम नहीं है, जो जो आपके कॉलेज में कार्य चल रहा है उन्हीं सबका केवल एक इकट्ठा करके हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं। आप सोचिए एडमिशन के बारे में भी जानकारी रहता है, स्कॉलरशिप के बारे में भी जानकारी रहता है, स्टूडेंट का रिजल्ट है उसके बारे में रहता है, प्लेसमेंट के बारे में रहता है, जो हमने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किया है उसकी जानकारी रहती है। तो ऐसा कौन सा अलग नैक करके कोई अलग से कोई काम नहीं है, ये जो आपने रोज डेली जो आप काम कर रहे हैं अपने महाविद्यालय में, उसी का एक समावेश करके एक एक कंसाइज फॉर्म में हमको एक रिपोर्ट लिख करके जमा करना है। और उसके साथ क्योंकि वो लोग वहां अपने महाविद्यालय में नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट लगाना है। तो सब हमारे पास है, लेकिन केवल हमको चाहिए कि हम दृढ़ निश्चय कर ले कि हम सब मिलकर अपने महाविद्यालय को अच्छे से अच्छा, उच्च से उच्च ग्रेड दिलाएंगे। ये अगर हम सोच लेते हैं तो हमें कोई चीज रोक नहीं पाएगा। और एक बार अच्छा ग्रेड आने के बाद आप लोग फिर सब लोग बोलने लगेंगे कि हमने किया, हम लोगों ने किया, हम लोगों ने किया। ये जो मेरी जो इतनी बातें हैं, इतने घंटों की जो लेक्चर है, ये सब आप लोग भूल जाएंगे और कहेंगे कि हम लोगों ने जो तैयारी करी थी उससे हम लोगों को ग्रेड मिला। और बोलते ही है लोग, अभी तक हम देख रहे हैं। तो आप उस समय आप सब इतने खुश हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं कि आप लोगों को लगता है कि हम लोगों ने जो मेहनत करी उसी का ये रंग निकला। लेकिन इतनी तैयारी जो पहले की है, जो आप लोगों को हम धक्का लगा रहे हैं, इसके कारण आप लोग आगे बढ़िए, तभी ये सब सार्थक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, आपको कुछ एकदम से डाउट्स अगर है, किसी को भी कोई समस्या है, तो आप लोग अपने ग्रुप में लिखिए। अभी हम सबकी समस्या हल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर एक एक करके हम नहीं सुन पाएंगे। आप लोग अपनी जो समस्याएं हैं आप ग्रुप में डालिए और हम 100% उसका आपको कोई ना कोई सलूशन जरूर बताएंगे। ये मत लिखिए कोई भी कि हमारे पास लोगों की कमी है, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर नहीं है तो आप बता सकते हैं, पर लोग नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जितने लोग हैं उतने लोग मिल करके यदि काम करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आप और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ भी जो है, वो हम TAQA से माध्यम से आपको आप तक पहुंचाएंगे। एनीथिंग एल्स? एनर्जी ऑडिट के बारे में बोलना रह गया। सभी महाविद्यालय से हमने एक आपको पत्र लिखा था कि जो ऊर्जा विकास निगम है उनके माध्यम से हम लोग एनर्जी ऑडिट करा सकते हैं। एनर्जी ऑडिट जो है वो अपने को कराना जरूरी है। और इस समय बड़ा अच्छा एक योग बन गया है कि ऊर्जा विकास निगम के MD है वो हमारे कमिश्नर साहब है, तो इसलिए हमें बड़े आसानी से, सुलभ तरीके से इसका फायदा मिल रहा है। तो आपको अपने जो हमने आपको नंबर्स दिए थे, या जिन जो ऊर्जा विकास निगम ने जो लिस्ट आपको उपलब्ध कराया था जो एजेंसी का, उनके माध्यम से आप एनर्जी ऑडिट जरूर करवाइए। जो कॉलेजेस रह गए हैं उनके लिए भी अभी हम बहुत जल्दी
लिस्ट भेजेंगे आपके पास, पर एनर्जी ऑडिट कराना जरूरी है। जो एनवायरमेंट ऑडिट है, एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ, जो जो कमिश्नर साहब का इंस्ट्रक्शन अभी कोई बता रहे मुझे आकर के, कि एनर्जी ऑडिट जहां जहां होना है, जिस महाविद्यालय को करना है, वो अपना एक रिक्वेस्ट हमको भेज दें, spdnac@gmail.com पर भेजें, spdnac@gmail.com पर, कि हम अपने महाविद्यालय का एनर्जी ऑडिट कराना चाहते हैं। एनवायरमेंट ऑडिट के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अपने आसपास के बड़े कॉलेज के या लीड कॉलेज के बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, एनवायरमेंट के जो प्रोफेसर का एक टीम बना करके वो लोग इस कार्य को करके सर्टिफाई कर सकते हैं, और लीड कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा उसको साइन करके एक सर्टिफिकेट आपको आप ले सकते हैं, और उसको भी मानने के लिए हम नैक को रिक्वेस्ट करेंगे। ट्रिपल ए जहां जहां हुआ है, ट्रिपल ए का सर्टिफिकेट हम आपको उपलब्ध कराएंगे, और इस साल के ट्रिपल ए के लिए भी हम आपको बहुत जल्दी ही उसका जो मॉड्यूल है वो उपलब्ध कराएंगे। सभी महाविद्यालय को NIRF का फॉर्म भरना है, सभी को, क्योंकि अगर हमने फॉर्म भरा है तो हमको 5 नंबर मिलेंगे, तो हमको उस 5 नंबर को भी गवाना नहीं है। तो अगर हम NIRF में कुछ पैसे नहीं लगते, कोई फीस नहीं है, केवल उसका एक फॉर्म भरना होता है, और आप वो फॉर्म भर देंगे, रजिस्टर कर देंगे अपने आप को, तो हमारा हम उसमें अपने SSR में लिख पाएंगे कि हम NIRF के लिए रजिस्टर्ड है। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और सब मिलकर के कार्य कीजिए। सभी कॉलेज के हर मेंबर अपना कॉलेज को अपनापन के साथ काम कीजिए, यूनिटी के साथ काम कीजिए, तो हम बहुत अच्छे से इस कार्य को संपूर्ण कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जाने लग गए, लीव कर रहे कहाँ पे।